राजनीतिक दल क्या होते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत सारे राजनीतिक दलों के बारे में टेलीविजन पर या न्यूज़पेपर्स में देखते और पढ़ते आ रहे हैं। राजनीतिक दलों को इंग्लिश में पोलिटिकल पार्टी कहा जाता है। दोस्तों, हमें बहुत सारे राजनीतिक दलों के बारे में पता है, बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी के नाम भी हम जानते हैं, लेकिन जब हमसे ये पूछ दिया जाता है कि राजनीतिक दल होते क्या हैं और आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि राजनीतिक दल होते क्या हैं और आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो आएं सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र में चार प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, जिनमें पहला होता है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, यानी कि वैसे राजनीतिक दल जो अपनी पुरानी जो उनकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, वो उसी से चिपके रहना चाहते हैं। दूसरे होते हैं रूढ़िवादी दल, यानी कि वैसे राजनीतिक दल जो चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था है वैसी ही रहे, यानी कि ये यथास्थिति में विश्वास रखते हैं और जो व्यवस्था जैसी रहे ये उसको वैसे ही रहने देना चाहते हैं। तीसरे होते हैं उदारवादी दल, यानी कि वैसे राजनीतिक दल जिनका उद्देश्य अब विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है, यानी कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनमें सुधार करने के लिए ये पक्ष में होते हैं, ठीक है। और चौथे होते हैं सुधारवादी दल, जिनका उद्देश्य होता है कि जितने भी विद्यमान व्यवस्थाएं हैं इनको हटा करके नई व्यवस्था लागू की जाए। तो दोस्तों, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में यही मुख्यतः चार प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोस के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपके मन में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे होगा ये कि हमारे चैनल पर जितनी भी नई वीडियो जाएगी सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए